कंगना रनौत ने दिवाली के लड्डुओं में अपने पीरियड का खून मिक्स किया और उसे मेहमानों को गिफ्ट में भेजकर बांट दिया, और ऐसा कंगना ने बॉलीवुड में सक्सेस होने के लिए किया है। ये सुनकर किसी के भी दिल में दहशत बैठ जाएगी, लेकिन इसका खुलासा खुद कंगना रनौत ने किया है। कंगना रनौत कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम है। अपनी बेबाकी की वजह से उन्हें खूब पसंद किया जाता है। कंगना के बयान भी ऐसे होते हैं जो अच्छे अच्छों की धज्जियां उड़ा देते हैं, लेकिन इस बार कंगना ने जो कहा है उसे सुनकर दिमाग खराब हो गया है। दरअसल कंगना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर सद्गुरु का एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सद्गुरु जानकारी दे रहे हैं कि कैसे 200 साल पहले महिलाओं को डायन कहकर जिंदा जला दिया जाता था। सद्गुरु के इस वीडियो को शेयर करते हुए कंगना ने अपने पुराने दिन याद किए हैं। सद्गुरु का वीडियो शेयर कर कंगना ने लिखा है, अगर आपके पास सुपर पावर्स हैं तो आपको डायन करार दे दिया जाएगा। मुझे भी डायन कहा गया, लेकिन मैंने खुद को जलने नहीं दिया, उल्टा उनको ही। मैं रियल विच हूँ, वहा आबरा का डाबरा। कंगना ने अगली स्टोरी में लिखा, मुझे वो दिन याद आ गए जब एक जाने माने अखबार के एडिटर ने कितने दावों के साथ लिखा था कि मैं काला जादू करती हूँ। साल 2016 में एडिटर सरिता तंवर ने लिखा कि मैंने सक्सेस पाने के लिए ब्लैक मैजिक का सहारा लिया, साथ ही मैंने अपने पीरियड का ब्लड लड्डुओं में मिक्स किया और वो दिवाली गिफ्ट के तौर पर उन्हें बांट दिया। वो दिन भी मजेदार थे। बिना किसी फिल्मी बैकग्राउंड के, ना कोई एजेंसी, ना दोस्त या बॉयफ्रेंड होने के बावजूद भी मैं टॉप पर छा गई थी। सबने कहा था कि मैं काला जादू करती हूँ। कंगना की इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। जब कंगना सफलता की सीढ़ियां चढ़ रही थी तो उनके बारे में ऐसी ही कहानियां बनाई गई थी। यहाँ तक कि उनके खुद के बॉयफ्रेंड अध्ययन सुमन ने आरोप लगाया था कि कंगना काला जादू करती हैं। अध्ययन सुमन ने कहा था कि कंगना ने उन पर काला जादू प्रैक्टिस करने के लिए अपना पीरियड ब्लड उन्हें पिलाया था। कंगना और अध्ययन का अफेयर साल 2008 से लेकर साल 2009 के बीच कुछ ही महीनों तक चला था। फिलहाल कंगना ने एक बार फिर से वो दौर याद दिला दिया है जब उन्हें इस तरह से टारगेट किया जाता था। फिलहाल इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट